हेलो व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का रूपम मारिया एजुकेशन फॉर यू चैनल पर। आज मैं आपको नरेशन के अंतर्गत यह बताऊंगा कि यदि रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस में हो तो उसका इनडायरेक्ट स्पीच कैसे बनाएंगे, यानी रिपोर्टिंग वर्ब और रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में रिपोर्टेड स्पीच। तो जो रिपोर्टेड स्पीच है, अगर ये रिपोर्टेड स्पीच इम्परेटिव सेंटेंस में है तो इसका इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाएगा, तो आज हम इसी के विषय में चर्चा करेंगे। आप शुरू से अंत तक इस वीडियो को देखते रहिएगा, बीच में इसकी मत करिए, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो यहाँ फर्स्ट ऑफ ऑल हम पहले ये समझ लेते हैं कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या है। तो इम्परेटिव सेंटेंस को हिंदी में हम आज्ञार्थक वाक्य कहते हैं। इसमें आदेश, सलाह, विनय, प्रार्थना, याचना, आदेश, मना करना आदि का भाव इससे व्यक्त होता है। तो जो इम्परेटिव सेंटेंस होती है, इसके वाक्य की रचना होती है एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट, यानी ये क्रिया की प्रथमावस्था और इसके बाद ऑब्जेक्ट के रूप में होता है। यानी इसमें जो कर्ता होता है सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन का प्रोनाउन यू होता है, वो अंडरस्टूड होता है। जैसे हम कह दें कि गो दियर, वहाँ जाओ, तो यानी इसमें यू छिपा हुआ है, तुम वहाँ जाओ। तो इम्परेटिव सेंटेंस में यू जो सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है वो छिपा रहता है। यानी वाक्य एमवी फर्स्ट प्लस ऑब्जेक्ट से शुरू होता है, क्रिया की प्रथमावस्था प्लस ऑब्जेक्ट शुरू होता है। और यदि वाक्य निगेटिव होता है इम्परेटिव सेंटेंस का, तो या तो ये डोंट से शुरू होता है, डोंट या डू नॉट से शुरू होता है, या नेवर से शुरू होता है, और इसके बाद क्रिया की प्रथमावस्था फिर ऑब्जेक्ट यूँ लगता है। तो आपको समझ में आ गया कि इम्परेटिव सेंटेंस क्या होता है। अब हम इसको समझने के लिए रिपोर्टेड स्पीच यदि इम्परेटिव सेंटेंस है तो उसको इनडायरेक्ट में कैसे बनाएंगे, इसको अच्छी तरह से भली भांति समझने के लिए यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल्स बोर्ड पर लिखे हुए हैं वाक्यों का, आप इन पर ध्यान दीजिए और ये देखिए कि जो रिपोर्टिंग वर्ब है और ये रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड रिपोर्टिंग वर्ब में हम ये देखेंगे कि जो हमारा स्पीकर है और होम टू स्पोकन जिससे कहा जा रहा है, अर्थात स्पीक सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट में जो रैंक सीक्वेंस क्या है, स्तर क्या है, यानी कौन आदेश देने वाला है, कौन आदेश मानने वाला है, कौन याचना करने वाला है, कौन सलाह देने वाला है, कौन सलाह लेने वाला है, इसी को हम कहते हैं रैंक सीक्वेंस। सीक्वेंस क्या है इसको हम देखेंगे, इस चीज़ को हम अपने माइंड में कीप करेंगे, बनाए रखेंगे, उस आधार पर हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो हम देखते हैं कि इन चारों वाक्यों के लिए मैंने एक ही रिपोर्टिंग वर्ब ले ली है, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट, ये सभी वाक्यों के लिए यूज होगा। और ये सभी वाक्यों में देखते हैं क्या क्या अर्थ देता है, क्या कुछ अलग सेंस देता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहला वाक्य देखते हैं, सिट साइलेंटली एंड लर्न योर लेसन, टीचर स्टूडेंट से कहा। तो आप समझ लें कि टीचर स्टूडेंट को क्या करेगा, ऑर्डर देगा। टीचर बड़ा है पद में और स्टूडेंट छोटा है, तो ऐसे में क्या करते हैं कि अगर इस तरह का वाक्य है और बड़ा है छोटे को, तो वो क्या करता है, आदेश देता है। तो ऐसी स्थिति में सेड या सेड टू को हम किस में बदलते हैं, ऑर्डर्ड में बदल देते हैं, ठीक। और इसके बाद क्या करते हैं, सभी प्रकार के काम हटा देते हैं और आर बी और आर एस, जो हमारा ये आर बी है, ये आर बी है और ये है आर एस, इसको टू से आपस में जोड़ देते हैं और सभी प्रकार के काम हटा देते हैं। तो अगर हम इसका इनडायरेक्ट बनाएं तो देखते हैं संस्पर कि टीचर स्टूडेंट को ऑर्डर दिया, कि द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट टू सिट साइलेंटली, देखिए टू से इसको जोड़ देंगे, टू सिट साइलेंटली एंड लर्न योर, आया है टीचर के अनुसार, आया इसके स्टूडेंट के अनुसार। तो यहाँ पर प्रोनाउन जैसा पहले परिवर्तन होता रहा है, बाकी शेष परिवर्तन और टेंस के, प्रोनाउन के, डिमॉन्स्ट्रेटिव के पूर्वोत्त होते रहेंगे जैसा असर्टिव सेंटेंस में होता रहा। तो इस प्रकार से जो पहले वाक्य का इनडायरेक्ट बना, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट
टू सिट साइलेंटली एंड लर्न हिज लेसन। आप यहाँ अगर चाहें तो इसको एक प्रकार से और इनडायरेक्ट बना सकते हैं। एंड फॉर चूंकि ऑर्डर की बात है तो एक ही वर्ब इसके लिए भी यूज हो जाएगी और इस वाक्य के लिए भी यूज हो जाएगी, क्योंकि दो कार्य का आदेश टीचर ने दिया है, साइलेंटली बैठने का और लर्न लेसन करने का। अब इसी तरह हम दूसरे वाक्य पर आते हैं, देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब मेरा यही है और इसमें देखते हैं कि डोंट मेक ए नॉइज इन द क्लास। यही टीचर स्टूडेंट से कहता है, क्या कहता है कि क्लास में आवाज़ मत मचाओ, कक्षा में शोर मत करो। तो यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये वाक्य कैसा है, डोंट से स्टार्ट हुआ है, इसलिए यह निगेटिव सेंटेंस है। ओके, तो जब इम्परेटिव सेंटेंस निगेटिव होता है अर्थात डोंट से प्रारंभ होता है, वैसी स्थिति में हम क्या करते हैं इनडायरेक्ट बनाने के लिए, शेड या शेड टू को हम बदल देते हैं फॉरवर्ड में। किसमें बदलते, फॉरवर्ड में बदल देते हैं। और जब फॉरवर्ड में बदल देते हैं और टू जो कनेक्टिव है, जोड़ने वाला वाक्य है, उसको लगाएंगे। और जब हम आरबी को अर्थात सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में बदलते हैं तो इनडायरेक्ट में डोंट खत्म हो जाता है, डोंट को हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार से अगर इसका हम इनडायरेक्ट बनाएंगे तो क्या बनेगा, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट, और ये हट गया, टू मेक ए नॉइज इन द क्लास, और सभी प्रकार के काम हटा दिए जाएंगे। इन केस आप मान लीजिए कि आप फॉरवर्ड में ना बदलें तो क्या अन्य और किसी शब्द में सेट टू को बदला जा सकता है, तो यस बदला जा सकता है। इसको हम दूसरी तरह से भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी हम ऑर्डर का प्रयोग कर सकते हैं, लेकिन तब यहाँ स्ट्रक्चर में कुछ डिफरेंस हो जाएगा। वो किस तरह का बनेगा ध्यान दीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। तो क्या बनेगा, द टीचर ऑर्डर द स्टूडेंट, इसके बाद हम जो बनाएंगे वो बन जाएगा नॉट टू, क्या लगाएंगे, नॉट टू मेक ए नॉइज इन द क्लास, यानी तब हम नॉट लगाएंगे टू से पहले। भूल से कभी टू के बाद नॉट मत लगाइएगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तो हम सेट टू को निगेटिव सेंटेंस में सेट टू को ऑर्डर या जैसा भाव व्यक्त हो रिपोर्टर और होम टू रिपोर्टेड के बीच में जो रैंक का जैसा रिलेशन होता है उस हिसाब से हम जो है फॉरवर्ड को दूसरे शब्द में भी बदल सकते हैं और टू से पहले नॉट लगा के वाक्य को जोड़ देंगे। तो इस प्रकार से मेरा ये वाक्य दो तरह से इनडायरेक्ट बन सकता है। इस तरह पहला, द टीचर फॉरवर्ड द स्टूडेंट टू मेक ए नॉइज इन द क्लास, और डोंट गायब हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, रिमूव कर दिया जाएगा। और यदि हम सेट टू को ऑर्डर में बदलते हैं तब क्या होगा, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट नॉट टू मेक ए नॉइज इन द क्लास, यानी डोंट हट करके नॉट टू लग जाएगा, टू से जोड़ते ही हैं, नॉट पहले कर देंगे। ओके, तो ये भी समझ में आ गया कि दूसरे वाक्य में फॉरवर्ड या ऑर्डर दोनों व्यक्त होती है। तीसरे वाक्य में आ जाइए, रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, अपने बड़ों का कहना मानिए। ये क्या है, इसमें तो कोई आदेश है नहीं, हम किसी को इसके लिए आदेश नहीं दे सकते, बस बल्कि हम क्या भाव व्यक्त होता है, किसी को इस चीज़ की हम शिक्षा देते हैं या किसी को हम ये पाठ पढ़ाते हैं मॉरल का, या हम किसी को सलाह देते हैं। तो यहाँ पर टीचर स्टूडेंट को सलाह दे सकता है कि अपने बड़ों का सम्मान करो, सम्मान करना या ना करना उसके ऊपर है, यानी अगर अच्छी बात की सलाह दी जाए या अच्छी कोई बात आपको बताई जाए उसको मानना या ना मानना आपके ऊपर निर्भर करता है, कोई प्रेशर दबाव ना हो। ऐसी इस तरह के वाक्य में सलाह का भाव व्यक्त होता है। तो ऐसे में जब हम इसको इनडायरेक्ट बनाएंगे, द टीचर सेड टू द स्टूडेंट रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तो हम क्या करेंगे, सेड टू को बदल देंगे एडवाइज्ड में, एडवाइज में बदल देंगे, सलाह में बदल देंगे। तो हमारा क्या इनडायरेक्ट हो जाएगा, द टीचर एडवाइज्ड द स्टूडेंट टू रेस्पेक्ट हिज एल्डर्स, योर की जगह पर
हिज एल्डर्स हो जाएगा, हिज हो जाएगा और ये एल्डर्स हो जाएगा। तो ओके, तो इस प्रकार से तीसरा वाक्य दिया गया। चौथा वाक्य आपको ज्यादा थोड़ा ध्यान देने योग्य है कि इस ये भी निगेटिव है लेकिन इसमें नेवर का प्रयोग किया गया है। ओके, तो द टीचर सेड टू द स्टूडेंट नेवर मिस माई पीरियड, यानी मेरा पीरियड कभी मिस मत करो। तो यहाँ ध्यान दीजिए कि जब वाक्य में यानी रिपोर्टेड स्पीच के वाक्य में नेवर आया हो तो जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में कभी नहीं बदलते। अगर नेवर आया है तो सेड या सेड टू को फॉरवर्ड में कभी नहीं बदलते, और अगर डोंट आया है तो बदल देते हैं, बदल सकते हैं। तब क्या करेंगे, तो हम करेंगे इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, इसके बाद क्या करेंगे, नेवर टू मिस। अब नेवर को हम पहले कर लेंगे टू के, नेवर मिस माई का हो जाएगा हिज और इसके बाद पीरियड। तो इस प्रकार से इनडायरेक्ट क्या बनेगा, द टीचर ऑर्डर्ड द स्टूडेंट नेवर टू मिस हिज पीरियड। ओके, तो आपके समझ में आ गया होगा इसका कि जैसा रिपोर्टेड स्पीच का भाव व्यक्त करे उस हिसाब से हम रिपोर्टिंग वर्ग के सेड या सेड टू को बदल देते हैं और हम स्पीकर तथा हुम टू स्पोकन इसके बीच में जो अस्तर का क्या संबंध है, रिलेशन है, इसको भी ध्यान में रखेंगे। ओके, अब आगे हम बढ़ते हैं, एक और वाक्य लेते हैं, द स्टूडेंट सेड टू द टीचर सर हेल्प मी इन दिस क्वेश्चन। नाउ सी हियर, यहाँ पर स्टूडेंट है और यहाँ पर टीचर है, तो ये आप खुद समझ सकते हैं कि स्टूडेंट कभी टीचर को आदेश नहीं दे सकता, इसलिए ऐसे में वो क्या कर सकता है, रिक्वेस्ट करेगा। ओके, तो जब इस तरह का भाव हो कि जिसमें एक बड़ा हो और छोटा उससे रिक्वेस्ट करे, ऐसी स्थिति में सरिया से टू को किसमें बदलते हैं, रिक्वेस्टेड में बदलते हैं। ओके, तो द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर और इसके बाद में सर आया है, तो यहाँ पर ये आप ध्यान दीजिए, यह वाक्य में सर आया हो या काइंडली आया हो या प्लीज आया हो तो क्या करते हैं, इनडायरेक्ट बनाते समय इन सभी को हटा देते हैं, इनको हटा देते हैं और सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो आपका इनडायरेक्ट बन जाएगा कि द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प हिम इन दिस क्वेश्चन, इन दिस दिस को आप दैट में बदल सकते हैं, इन दैट क्वेश्चन अथवा इन द क्वेश्चन, आप यहाँ द क्वेश्चन भी लिख सकते हैं, क्योंकि दिस क्वेश्चन जो है ये आपका दिस यहाँ पर एडजेक्टिव का काम करता है, और जब दिस या दिस एडजेक्टिव का कार्य करता है तो उसको इनडायरेक्ट में हम द में भी बदल सकते हैं और दूरी शो करने वाले शब्दों में भी बदल सकते हैं। तो यस, द स्टूडेंट क्या बनेगा, द स्टूडेंट रिक्वेस्टेड द टीचर टू हेल्प हिम इन दैट क्वेश्चन। ओके, अब हम और आगे बढ़ते हैं, अब नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं, माय फादर सेड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन दिस क्वेश्चन कंसल्ट योर टीचर। मेरे पिता ने कहा यदि आपको इस क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो अपने टीचर से कंसल्ट कर लो। तो यहाँ पर हम रिपोर्टेड स्पीच को देखते हैं, रिपोर्टेड स्पीच में हम देखते हैं कि इसमें दो वाक्य हैं, एक तो इफ क्लाज का यानी इफ से जुड़ा हुआ एक क्लाज है, वो वाक्य है, और एक दूसरा वाक्य है जो इम्परेटिव सेंटेंस का है, यानी जिसमें सलाह दी जा रही है, यानी इफ क्लाज के साथ सलाह भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो इस तरह के वाक्य का जब हम इनडायरेक्ट बनाते हैं तो क्या करते हैं, इसमें हम शुड का प्रयोग करते हैं। कैसे, माई फादर सेड टू मी, सेड
यू आया है तो मी इसमें ऑब्जेक्ट छिपा हुआ है। तो माई फादर सेड इफ यू आ गया मेरे अनुसार, इफ आई हैड टेंस बदल गया, इफ आई हैड एनी प्रॉब्लम इन दिस, दिस की जगह पर दैट क्वेश्चन, इसके बाद कामा लगा दिया और आपको शुड का प्रयोग करना है। तो शुड का प्रयोग करने के लिए सब्जेक्ट चाहिए, सब्जेक्ट क्या होगा, जिससे पिता कह रहे हैं वही सब्जेक्ट होगा। तो यहाँ पर मुझसे कह रहे हैं तो आई शुड कंसल्ट माई टीचर, तो यहाँ पर आई आप लगाती हुए और शुड का प्रयोग करके इसी भाग को, यानी जो सलाह वाला भाग है, इसी में प्रोनाउन का चेंज करके उतार देंगे। या इसको एक तरह से और बना सकते हैं कि अगर हम शुड में ना चेंज करें तो क्या कोई और अल्टरनेटिव है इसका जो हम बना सकें। तो इसमें पिता क्या करते हैं, मुझसे मुझे सलाह देते हैं, तो क्या कर देंगे, सेट टू को, या सेट टू को आप मान लीजिए सेट टू मी अंडरस्टूड है इसमें, तो सेट को हमने एडवाइज्ड में बदल दिया सेट टू को, तो माई फादर एडवाइज्ड मी। इसके बाद आप सलाह वाला भाग पहले ले लीजिए एडवाइज्ड मी और उसको जोड़ दीजिए टू कंसल्ट योर आ गया थी मेरे लिए, तो माई टीचर इफ आई हैड एनी प्रॉब्लम इन दैट क्वेश्चन। ओके, वेरी सिंपल, ये हम समझते हैं कि ज़्यादा बढ़िया है और सरल भी है, इम्पोर्टेंट आपको बनाने में सुविधा भी होगी, तो इट इज बेटर देन दैट। ओके, बट यू शुड नो दीज बोथ सेंटेंसेस हाउ टू ट्रांसफार्म इनटू इनडायरेक्ट। तो नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल हियर, सी हियर ही सेड टू मी, उसने मुझसे कहा वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन। इन सेंटेंस को देखिए जो रिपोर्टेड स्पीच में है, इनके अंत में इनवर्ट वो क्वेश्चन लगा हुआ है, क्वेश्चन का मार्क लगा है, ये बताता है, शो करता है कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, क्योंकि ये ऑक्सिलरी वर्ब से भी स्टार्ट है ये सभी सेंटेंस। लेकिन हम इंट्रोगेटिव में नहीं जाएंगे, पहले मुझे इन वाक्यों का अर्थ समझना चाहिए कि ये क्या भाव कहते हैं, इनका क्या सेंस है। कहता है उसने मुझसे कहा वुड यू प्लीज गिव मी योर पेन, क्या कृपया आप मुझे अपना कलम देना चाहेंगे, अपना कलम देंगे, तो आप किसी दूसरे की चीज़ को छीन तो सकते नहीं हो, तो प्लीज़ आप उससे मांग सकते हो। ऐसी स्थिति में सेड या सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं और वुड यू को हटा देते हैं, और यहाँ जो प्लीज़ है, प्लीज़ की वजह से सेड टू को रिक्वेस्टेड में बदल दिया गया, वुड यू को हटाइए, प्लीज़ की वजह से इसको रिक्वेस्टेड में बदलिए, तो ये अपना पूरा भाग, यानी वुड यू प्लीज़ पूरा भाग इनडायरेक्ट में हट जाएगा। तो सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदल दीजिए और इसके बाद में आपका बचता है गिव मी योर पेन, मी आ गया सब्जेक्ट के अनुसार तो हिम चेंज हो गया और योर आया ऑब्जेक्ट के अनुसार तो माई पेन। तो ओके, यानी जब इंट्रोगेटिव की स्ट्रक्चर में वाक्य हो लेकिन उसका भाव रिक्वेस्ट में हो, साधारण कथन में हो, विनय में हो, विनती में हो, तब आप उसको इम्परेटिव सेंटेंस मान करके इनडायरेक्ट बनाएंगे। तो पहले का आप इनडायरेक्ट बनाएंगे ही रिक्वेस्टेड मी और इसके बाद इसको हटा दिया टू गिव हिम माई पेन। ओके, नाउ नेक्स्ट भी लेते, कुड आई यूज योर पेन, क्या मैं आपका कलम प्रयोग कर सकता हूँ, यूज कर सकता हूँ, नो बिना अनुमति के तो नहीं कर सकते आप, तो आप क्या करेंगे, उससे पूछेंगे, वो कहेगा यस देन यू कैन यूज, एंड इफ ही सेज नो यू कांट यूज। तो ओके, आप जनरली पूछते हैं, ऐसे में क्या किया, सेट टू को मैंने आस्क में बदल दिया, ही आस्क्ड मी टू, अब यहाँ पर आप इसे हटा देंगे क्योंकि आपको टू से जोड़ना है और टू के बाद क्रिया की प्रथमावस्था आनी चाहिए। ओके, तो क्रिया की प्रथमावस्था आ गई यूज और योर बदल गया मी के अनुसार तो माई डन। तो इस प्रकार से दूसरे का इनडायरेक्ट बना ही आस्क मी टू यूज माई डन। इस प्रकार से अंतिम वाक्य का बनाते हैं, वुड यू लाइक टू सिट डाउन, क्या आप बैठना पसंद करेंगे, क्या आप बैठना चाहेंगे, यानी आपको जबरदस्ती बैठाया नहीं जा सकता है, आप
वुड यू प्लीज़, यानी क्या आप बैठेंगे, आप बैठ जाइए, बैठना चाहेंगे, इसमें भी रिक्वेस्ट का ही भाव व्यक्त होता है। तो ऐसे में जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो सेट टू को रिक्वेस्टेड में बदल दीजिए, और इसके बाद में वुड यू लाइक तक इसको पूरा हटा देंगे, और टू इन्फिनिटी टू सिट डाउन को सीधे उसके बाद में हम जोड़ देंगे, तो क्या बनेगा इनडायरेक्ट, ही रिक्वेस्टेड मी टू सिट डाउन। ओके, तो इस प्रकार से इम्परेटिव सेंटेंस का इनडायरेक्ट हम लोग पढ़ चुके हैं। रिपोर्टेड स्पीच या इंट्रोगेटिव इम्परेटिव सेंटेंस में हो तो उसका इनडायरेक्ट कैसे बनाया जाए, और आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। आप वीडियो को अच्छे से देखें और इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, जिससे जब मैं अगला वीडियो अपलोड करूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।